हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ट्रिक विद निशु। गाइस, फिर से मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो गाइस, आज मैं बात करेंगे DME यानी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, फीस कितनी होगी, कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो तक बने रहे इस वीडियो पे। सो गाइस, मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग DME का तो फुल फॉर्म जान लिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मशीन होती है उसकी बनावट, निर्माण आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन कराया जाता है। जो बड़े बड़े आपने मशीन देखा होगा ना, मशीन होते हैं बड़े बड़े, तो उसको कैसे बनेंगे, उसको कैसे मतलब उसकी पूरी तरह से उसकी जानकारी, उसकी ढांचा, उसकी बनावट, पूरी निर्माण के बारे में आपको अध्ययन करवाया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे आप जान लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो, 10वीं या 12वीं पास यानी 10-12 अगर आप पास कर चुके हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये इंजीनियरिंग कोर्स होती है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को 10 पास के बाद करनी है ये कोर्स तो कर सकते हैं, फिर 12 पास है उनको करनी है तो कर सकते हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन पास है तो भी आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कि कितने साल की कोर्स होती है, तो ये 3 साल की कोर्स होती है, ठीक है। इसमें आप बीटेक करने के बाद, अगर आप मान लीजिए बीटेक किए हैं तो इसमें आप आसानी से जॉब भी मिल जाती है इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद एमटेक की पढ़ाई को भी आप जारी रख सकते हैं, तो ये कोर्स करने के साथ साथ आप बीटेक या एमटेक का पढ़ाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अच्छी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी एक जॉब मिल जाती है। तो ये गाइस थी DME, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो ये एक प्रकार की डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग में, आप इसमें आसानी से कर सकते हैं गाइस। तो मैंने आपको ये क्वालिफिकेशंस एज जो होती है वो मैंने बता दिया है इस पूरी वीडियो में, मैंने आपको डिटेल्स में बताया DME कोर्स के बारे में, ठीक है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू अगेन।